प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है और आज से आपके आवेदन शुरू होने। ऐसे में आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि मैम, क्या मैं अपियरिंग हूँ तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगी कि अगर आपकी बैक लगी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और कम समय में मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा कि सीटेट नोटिफिकेशन 20 सितंबर को आया। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 20 सितंबर से, लास्ट डेट 19 अक्टूबर है। फी सबमिशन की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, जबकि करेक्शन का भी बाद में आएगा। और सीटेट की एग्जाम डेट 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम नॉर्मली एलिजिबिलिटी की बात करें पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए ही, तो इंटर में आपके 50% होने चाहिए और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन अगर है तो वो भी सेम चीज़ है कि ग्रेजुएशन में वैसे तो कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि कितने परसेंटेज होने चाहिए, बट फिर भी आप मान सकते हैं कि 50 फॉर जनरल एंड 45 फॉर रिजर्व कैंडिडेट। और जो 4 साल वाला कर रहे हैं, जैसे बीएलएड कर रहे हैं, तो वो अपने फाइनल ईयर में होने चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी, अब यहाँ पर आपका एक बड़ा कंफ्यूजन मैं दूर करने वाली हूँ कि बीएड में अगर आप अपियरिंग है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो दोस्तों, अगर आप बीएड के फाइनल ईयर में, कहने का मतलब है कि 2 सेमेस्टर आप क्लियर कर चुके हैं और 3rd सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डीएलएड में भी यही है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, अगर मेरी बैक लग गई है तो मैं फॉर्म भर सकती हूँ या नहीं भर सकती हूँ। तो सबसे बड़ा आंसर इसका यही है कि अगर आपके 2 सेमेस्टर में बैक लगी है और आप 3rd सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हुए, 2 सेमेस्टर में से किसी में भी बैक लगी और आप 3rd में प्रमोट नहीं हुए, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन मान लीजिए कि 2nd सेमेस्टर में आपके किसी कारण से किसी एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगी है, लेकिन आपको 3rd सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में कैसे भी करके आ गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब फाइनल ईयर में अगर आप बीएड या डीएलएड के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे फिर आपके पिछले एक सब्जेक्ट में बैक लगी हो या नहीं लगी हो। तो आई होप तो कि आपको एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। बाकी सिलेबस की जानकारी, कैसे पेपर होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ये सब आपको इसी चैनल में मिलेगा। सीटेट की फ्री पीडीएफ, फ्री क्लासेस भी आपको इस चैनल में मिलेंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नमस्कार।